बीपीएससी पीटी एग्जाम का पेपर लीक होने के बाद अब छात्रों के आगे सबसे बड़ा सवाल उनके भविष्य को लेकर है। अब सीएम नीतीश कुमार से ये गुहार लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं, सीएम सर हमारा दिल टूट गया है, आवाज आपके कानों तक पहुंची क्या? कैसे वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं और कैसे अपने घर के माली हालत से लेकर अपने सब दुख बता रहे हैं वो सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम स्वीकार करें। आपको ये पत्र बड़े ही बुझे मन से लिख रहा हूँ। मेरी एक साल की मेहनत बेकार चली गई, मैं एक साल पीछे चला गया। कितने अरमानों से मेरे बाबूजी ने मुझे इलाहाबाद भेजा था, कितने कष्ट सहकर उन्होंने मुझे इलाहाबाद भेजा था, कितने अरमानों से मुझे इलाहाबाद भेजा था कि बेटा मेहनत करेगा, पढ़ेगा, कॉम्पिटिशन की तैयारी करेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मुख्यमंत्री जी, मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, मैं रात रात भर जागकर पढ़ता रहता था, मैं सपने देखता था कि एक दिन बीपीएससी के एग्जाम में बैठूंगा और उसे क्लियर करूंगा। मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत था। मैंने कोई त्योहार नहीं मनाया, मैं किसी की शादी में नहीं गया, मैं किसी की गमी में भी नहीं गया, मैं किसी से फोन पर बात भी करने से बचता था। मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ एक था और वो था बीपीएससी क्लियर करना। मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए लगा रहा, मैंने पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं किया, मैं किसी और किस्म के चक्कर में नहीं फंसा। मैं तो बीपीएससी की परीक्षा देना चाहता था, खुद को तौलना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं पास करूंगा या फेल, क्योंकि मेरी तैयारी न पास करने की थी ना फेल की, मेरी तैयारी एग्जाम को कम्पीट करने की थी और मैं उसमें कॉन्फिडेंट था। मेरे पास जब एडमिट कार्ड आया मैं खुश हो गया, अंदर में एक धुकधुकी तो थी पर मुझे तैयारियों पर पूरा भरोसा था। मैं अपनी तैयारियों को परखने लगा, फिर पटना आ गया, सेंटर पर ही पता चल गया कि पेपर आउट हो गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे मन पर क्या बीती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं मुख्यमंत्री जी कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी। मैं अवाक था, मैं स्तब्ध था, मैं हतप्रभ था, मैं यही सोच रहा था कि एक साल की मेरी तपस्या यूं ही भंग हो जाएगी, मैं यही सोच रहा था कि साल भर मैंने जिस प्रायोजन के लिए खुद को हर किसी से काट लिया, सिर्फ किताबों की दुनिया का यायावर बना रहा, उसके बदले मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं दो दिन तक रोता रहा, सोचता रहा आपके बारे में, आपके सिस्टम के बारे में। हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आपकी तो है, आप तो हैसियत वाले हैं, आपने क्यों ये सब होने दिया, कहां आपका मैकेनिज्म फेल कर गया। ठीक है, आप कुछ समय बाद दोबारा परीक्षा करवा देंगे, लेकिन जो टेम्पो मेरा उस दिन था, जिस दिलेरी से मैं सवाल सॉल्व करता, वो दिलेरी अब कहां से लाऊंगा, वो कंसंट्रेशन कैसे बनेगा। आपको एक बात बताऊं मुख्यमंत्री जी, मेरे बाबूजी हर माह मुझे 10,000 रुपए भेजते थे, उनको 14,000 रुपए पेंशन मिलते हैं, उन 14,000 में से 10,000 वो मुझे दे देते थे। बता दें वो शुगर पेशेंट भी हैं, हर माह 4,500 रुपए की दवा आती है, वो 4,500 की जगह 4,000 की ही दवा लेते हैं, मेरे लिए उन्होंने एक दवा भी कम कर दी। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो आदमी शुगर जैसी बीमारी से ग्रसित है, जिसे हर महीने 4,500 की दवा खानी है, वो हर महीने 4,000 की खा रहा है, ये सोचकर कि मेरा बच्चा बीपीएससी निकाल लेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मेरे और मेरे बाबूजी के सपने टूट गए, अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, आप किसे दंडित करेंगे, किसे छोड़ेंगे ये भी नहीं जानता। आपके यहाँ तो सुशासन था, क्या इसे ही सुशासन कहते हैं? अगर हाँ तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा दर्द कुछ ऐसा है कि किसी को बोलना चाहूं भी तो ना बोल पाऊं, बस दिल टूट गया। दिल के टूटने की आवाज नहीं होती, दिल के टूटने की आवाज आप नहीं सुन सकते, बस ये समझिए कि आधा हो गया हूं। मंजिल मेरे सामने थी, मैं उसे हासिल करने का दम लेकर चला था, पता चला जो मंजिल थी वही आंखों से दूर हो गई, उस मंजिल को ना तो जमीन खा गई और ना ही आसमान निगल गया, वो आपके मैकेनिज्म के कारण अश्य हो गया। मन अशांत है मुख्यमंत्री जी, इस बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक पहली बार हुआ है, आइंदा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी आप ही नहीं दे सकते, लेकिन मुझ जैसा उम्मीदवार फिलहाल निराश है, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं कब ये अंधेरी रात
खत्म होगी और कब भोर का उजियारा छाएगा। फिलहाल दिल बैठा जा रहा है, मेरा मन रोने को कह रहा है, मैं रोना चाहता हूँ अपने हाल पर। मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसा कीजिए कि आइंदा बीपीएससी ही नहीं किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक ना हो। हर एक पेपर के लीक होने के बाद जिंदगी जैसे जहन्नुम बन जाती है। आशा है आप मेरी पीड़ा को समझेंगे। आपके ही राज्य का एक निवासी एक बिहारी उम्मीदवार, ये व्यथा बिहार के उन तमाम छात्रों का है जो इस बार बीपीएससी पीटी एग्जाम में बैठे थे और अब इसी प्रकार नीतीश कुमार से रो रोकर अपनी फरियाद सुना रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।